केएमसी कैंसर संस्थान, केएमसी हेल्थ सिटी, बागपत रोड, मेरठ, उत्तरी भारत का आधुनिकतम एवं अत्यंत सुरक्षित रोबोटिक रेडियोथेरेपी वाइटल बीम, जो साइबर नाइफ की तुलना में एकदम सही व सुरक्षित है। रैपिड आर्क से सुसज्जित संस्थान 24/7 हर प्रकार के कैंसर के ऑपरेशन, क्यूमोथेरेपी और प्रत्येक प्रकार की रेडियोथेरेपी व रेडियो सर्जरी उपलब्ध है। कैंसर को पहचानने के लिए आधुनिकतम पेट सीटी उचित शुल्क पर उपलब्ध है। संयुक्त व्यापार संघ नवीन गुट ने स्पोर्ट्स कारोबारी डीके जैन लूट व हत्याकांड का रविवार तक खुलासा न होने पर सोमवार को महापंचायत की घोषणा कर दी है। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि मेरठ में क्राइम में तेजी से इजाफा हो रहा है, इसके लिए कहीं ना कहीं पुलिसिंग जिम्मेदार है और व्यवस्था संभल न पाने के लिए सीधे सीधे पुलिस कप्तान। संघ अध्यक्ष ने कहा कि इस हत्याकांड का खुलासा होने की स्थिति में महापंचायत का आयोजन नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस बात से इनकार किया कि इस हत्याकांड के बहाने संयुक्त व्यापार संघ कालाबाजारी के आरोपों से घिरे महामंत्री संजय जैन को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस पर दबाव से भी उन्होंने इनकार किया। संयुक्त व्यापार संघ अध्यक्ष नवीन गुप्ता ने मीडिया के सवालों के यह जवाब दिए। आप सभी साथी पदाधिकारियों के विचारों के बाद ये निष्कर्ष निकल रहा है कि मेरठ में कानून व्यवस्था नाम की चीज इस समय बची नहीं है। दिन दहाड़े हत्याएं हो रही है, लूट हो रही है। ठीक है, पुलिस उन घटनाओं को खोलने का भी कुछ काम किया है, लेकिन केवल खुलासे से व्यापारी अपने को सुरक्षित नहीं मान रहा है। इतनी बड़ी घटना हो गई, पुलिस प्रशासनिक अधिकारी, ठीक है पुलिस के लोग वाटिके हैं, लेकिन मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है, पहले जिला अधिकारी भी ऐसी घटनाओं पर पहुंचने का काम करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पुलिस की कार्यप्रणाली में ढिलाई आई है, जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली में ढिलाई आई है। 48 घंटे का समय आज उनको घटना को खोलने के लिए दिया गया है। ये 48 घंटे रविवार को दोपहर 12 बजे पूरे होने वाले हैं। दोपहर 12 बजे तक अगर घटना नहीं खुलती है तो हम सोमवार को आप सब लोगों की सहमति से निर्णय लेते हैं कि व्यापारी की पंचायत का आयोजन किया जाएगा और उस महापंचायत में व्यापारी जो निर्णय लेगा वह आंदोलन इस मेरठ के पुलिस प्रशासन के खिलाफ चलाने का हम लोग काम करेंगे। हमारे महामंत्री संजय जैन जी का सूरजकुंड फुले स्टेशन के नाम से है, सूरजकुंड के मोड़ पर पेट्रोल पंप है। उनके पंप पर अब से 2 दिन पहले एक टीम पहुंची थी जिसने अपने को जिला पूर्ति विभाग से आए हुए बताया और उन्होंने कहा कि हमें कुछ जांच करनी है। उनको कहा गया कि अभी पिछले महीने की 10 तारीख को भी आप जांच करके गए थे और 2 दिन पहले भी आपके विभाग के कुछ अधिकारी हमारे यहाँ जांच करके गए। गाड़ी खड़ी थी, डीजल डलवाने आई थी कि इस गाड़ी के हमें कागज दो और वह फोटोग्राफी कर रहे थे, वीडियो बना रहे थे, जिस पर उनसे कहा गया कि हमारी गाड़ी ये टैंकर खड़ा है, इस टैंकर के ये लो कागज। उन्हें कागज दिए गए लेकिन उन्होंने कहा हमें टैंकर के कागज नहीं चाहिए, जो ये गाड़ी खड़ी है इसके कागज चाहिए। पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप पर कोई भी आता है अपनी गाड़ी खड़ी करता है और गाड़ी खड़ी करके कई बार अनेकों बार चला जाता है, या वो वहाँ से जिस व्यक्ति की गाड़ी थी, हमें नहीं पता वो किसकी गाड़ी थी, उसका संजय जैन और संजय जैन जी के ना तो पंप से कोई लेना देना है, ना उनके किसी परिवार के सदस्य से कोई लेना देना है। वह गाड़ी वहाँ खड़ी थी, अब जाने वो खड़ी है या ले गया कोई उसको। वह व्यक्ति जब वहाँ से वो जाँच टीम को देख कर जिसकी भी गाड़ी खड़ी थी, संभवतः हम ये समझते हैं कि वो पुलिस उन उस विभाग के डर से वहाँ से भाग गया और गाड़ी छोड़कर भाग गया। उस गाड़ी के कागज वो मांग रहे थे जिस पर उस राणा नाम के प्रशांत जी ने विरोध किया कि हमारी गाड़ी नहीं है, आप उस गाड़ी को देखो, ले जाओ इसको। ब्राउज़र जिसका था वो पता तो किया होगा ना आप लोगों ने, किसका है वो नहीं।
हम उसे जानते नहीं, कोई जानकारी करने पे पता लगा है नेट पर सर्च करने पे किसी कोई किसी विशाल नाम के व्यक्ति के नाम वो गाड़ी है। एक बात ये भी आई थी कि 50,000 रुपए की डिमांड की जा रही है। हाँ, जब उनसे कहा गया कि जब आप ये जो जांच कर रहे हैं, अभी कल भी करके परसों भी करके गए थे, एक महीना भी पहले करके गए थे, आप क्यों हमें, तब वो उस ब्राउजर पर आ गए और जब ब्राउजर की बात पर हम ये कहने लगे हमारे व्यापारी वहाँ पर कि ये हमारा नहीं है, तो उन्होंने कहा चलिए हम इसे निपटा देते हैं, 50,000 रुपये हमें दे दो। तो वो तारावती जी ने कहा है ये बात, उन्होंने जो एक महिला कर्मचारी थी, इसीलिए वहाँ पर माहौल खराब हुआ। बिल्कुल आपूर्ति विभाग कहाँ भ्रष्टाचार नहीं है, बिना उनकी मर्जी के आप राशन की दुकान पर चले जाओ, किसी राशन को उपभोक्ता को पूरा सामान नहीं मिलता, गेहूँ और चावल सारा बाजार में बिक रहा है। बिल्कुल आपूर्ति विभाग में भ्रष्टाचार चरम पर है। हमने अपना संदेश भेजा है माननीय मुख्यमंत्री जी तक और प्रयास कर रहे हैं कि हम वहाँ तक अपनी बात पहुँचाए और हमारा कोई मुलाकात का समय निर्धारित हो तो पूरा घटनाक्रम उनको बताया जाए। आपकी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको माना जा रहा है कि जो हत्याकांड हुआ है जी, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर दबाव बनाने के लिए जो आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं और महापंचायत करने जा रहे हैं हत्याकांड महामंत्री को बचाने के। नहीं, हमारा महामंत्री जी को वो तो हम पर न्यायालय का सहारा लेंगे, हम जो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया वो तो न्यायालय का सहारा लेंगे हम, और ये हमारे जो व्यापारी के साथ जो हुआ है, व्यापारी की हत्या हुई है, उसके पत्नी की हत्या हुई है, इतनी बड़ी लूट हुई है, इससे जो हमारा व्यापारी समाज में दहशत है, कानून व्यवस्था को ठीक कराने के लिए, कानून व्यवस्था ठीक हो, व्यापारी को सुरक्षा मिले, इसके लिए हमें आज ये कार्यक्रम हमने रखा है। आपका बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, मैं आपको उसके लिए साधुवाद देता हूँ। निश्चित रूप से व्यापारी हित के लिए, क्योंकि हमारे लिए व्यापारी हित ही सर्वोपरि है, लोगों को अपनी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर अब व्यापारी हित में एक होने का प्रयास करना चाहिए, काम करना चाहिए, और मैं आपके माध्यम से बिल्कुल स्पष्ट रूप से संदेश देना चाहता हूं कि जो व्यापारी हित में एक होने के एक करने के लिए संयुक्त व्यापार संघ को वार्ता करना चाहता है, उसके लिए मैं 24 घंटे तैयार हूं और मैं तत्पर हूं, अगर उसके लिए मुझे कोई अपनी कुर्बानी देनी पड़े तो उसके लिए भी तैयार हूं। अध्यक्ष पद की बात नहीं है, मैं व्यापार संघ भी छोड़ सकता हूं, लेकिन व्यापारी हित में काम करना नहीं छोड़ सकता। 40 साल हो गए, अब 2-4 साल 5 साल की जिंदगी है, अंतिम समय तक व्यापारी हित के लिए काम करूंगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट टीवी, और हाँ, अपने इस चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वह बेल आइकन को दबाना ना भूलें। नमस्कार।